उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर के लोग क्या हिंट दे रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, देखिए हिंट रिपोर्ट में आखिर क्या है कानपुर की जनता के मन में। यूपी की हॉट सीट में शुमार, कानपुर की जनता आखिर इस बार के चुनाव को लेकर क्या दे रही है संकेत, क्या दे रही है हिंट, ये जानने का प्रयास करेंगे हम कानपुर की जनता से बातचीत के जरिए। इस बार के चुनाव में कानपुर में क्या कुछ हो सकता है, कुछ हिंट दीजिए। देखिए मेरा तो ये कहना है कि इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और बेईमानों के लिए वो जहर समान है और ईमानदारों के लिए वो लहर है। देखिए कानपुर की जनता इस समय लगातार कई वर्षों से अच्छा नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में देख रही है। मोदी जी ने दृढ़ता और पारदर्शिता के साथ सभी वर्गों के लिए काम किया है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहले भ्रष्टाचारियों आतंकवादियों पर चोट करने का काम किया। आप कुछ हिंट दीजिए कानपुर की सीट को लेकर, इस बार जोर किसका चल रहा, हवा किसकी चल रही है? निश्चित तौर पर केवल एक हवा है, वो है नरेंद्र मोदी की गारंटी। और रमेश अवस्थी जी नरेंद्र मोदी के दूत बन के यहाँ पे आए हैं और 100% वो ऐतिहासिक वोटों से जीतने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी है, गठबंधन के प्रत्याशी भी है, बसपा के भी है, लगता है आपको रमेश अवस्थी टिक पाएंगे या चुनौती इनके लिए सामने बहुत बड़ी है? कहीं नहीं, विपक्ष कहीं नहीं दिख नहीं रहा, अभी से गायब हो गया। केवल रमेश अवस्थी, रमेश अवस्थी जी जी। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए कि बहुत सारे लोग यहाँ पे कानपुर में व्यापारी चूंकि ज्यादा रहते हैं तो उनकी बहुत समस्याएं भी हैं, बाकी जो महिलाएं हैं सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है, ये सब तमाम मुद्दों के बीच कानपुर की जनता क्या हिंट देगी, क्या संकेत? कानपुर की जनता यही चाहती है कि अच्छा प्रत्याशी है रमेश अवस्थी, अच्छे प्रत्याशी है, 400 पार होना है। इस बार 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है, आपको क्या संकेत मिल रहा है कानपुर से? परसेंट यहाँ से सीट जो है 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे रमेश अवस्थी के, बहुत ही साफ स्वच्छ छवि के प्रत्याशी हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो हिंट दे रहे हैं, दरअसल इस बार के चुनाव में रमेश अवस्थी का पलड़ा भारी है, लिहाजा जो संकेत है वो ये मिल रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है। हालांकि जो नतीजे होंगे वो बताएंगे कि आखिर ये जो संकेत है वो वोटों में कितने तब्दील हो पाते हैं।